क्लास का सबसे पहला टॉपिक देखेंगे और सबसे पहला टॉपिक है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और धारावाही कुंडली जो वृत्ताकार है उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आई एम्पियर की विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जब कभी भी अगर ऐसा स्थिति हो तो इसके लिए बायो सावर्ट के नियम का उपयोग किया जाता है। और बायो सावर्ट का नियम क्या था, तो बायो सावर्ट के व्यंजक के बारे में अगर बात करें तो व्यंजक था कि डी बी बराबर म्यू जीरो बटे में फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, यही था ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, साथ ही साथ उस परिपथ के अल्पांश भाग के समानुपाती है और उस परिपथ के निम्न कोण के जया के समानुपाती है, अर्थात साइन थीटा के समानुपाती है। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, परिपथ से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से हमें मिलता है डी वी समानुपाती आई, डी वी समानुपाती डी एल, डी वी समानुपाती साइन थीटा और डी वी समानुपाती एक बटे में आर स्क्वायर। जब इन सबको मिलाते हैं तो मिलता है डी वी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है और उस नियतांक का मान होता है म्यू जीरो बाई फोर पाई, तब जाकर के बायो सावर्ट का नियम बनता है डी वी बराबर म्यू जीरो बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। इसी व्यंजक का उपयोग करके और एक धारावाही कुंडली के अक्ष पर जो है वह हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जिस धारावाही कुंडली में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है बिंदु पी पर। अब थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक हैं, दो घटक हैं। एक है डी वी कॉस थीटा जो कि ऊपर की ओर है और एक है डी वी कॉस थीटा जो कि नीचे की ओर है, और दूसरा जो चुंबकीय घटक है वो है डी वी साइन थीटा जो कि अक्ष के अनुदिश है, इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश है डी वी साइन थीटा। अब हम जानते हैं चतुर्थांश के नियम के अनुसार कि चतुर्थांश का नियम कहता है कि अगर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा और नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू निगेटिव मिलेगा। ये एक्स और एक्स डैश हो, ये वाई और वाई डैश हो, तो ऐसी स्थिति में जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू निगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि ये दर्शाने का कारण यह है कि हम यहाँ ये बता सकें कि डी वी कॉस थीटा और डी वी साइन थीटा भले दो चुंबकीय घटक हैं यहाँ पर बिंदु पी पर जहाँ हमें वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, लेकिन ये दो चुंबकीय क्षेत्र में से एक चुंबकीय क्षेत्र डी वी कॉस थीटा और डी वी कॉस थीटा जो एक दूसरे के विपरीत है, इसके कारण यह एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो बिंदु पी पर अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वो निकलेगा डी वी साइन थीटा से, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जो अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने फिगर के बारे में बताया है वो नहीं लिखेंगे, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है। अब बाकी जो ऑनलाइन देखेंगे तो वो समझ ही जाएंगे कि लिखना क्या है इस फिगर के डिस्क्रिप्शन में। तो धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो अब जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बताइए क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, डी वी बराबर होगा म्यू जीरो बटे में फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर के जगह पर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स दूरी पर ना बिंदु पी है और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो डी वी बराबर कितना आ जाएगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई आई डी एल और साइन कितना 90 डिग्री और बटे में कितना एक्स स्क्वायर। अब अगर हम डी वी का मान निकालें तो डी वी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो डी वी बराबर मिल जाएगा म्यू जीरो बटे में 4 पाई आई डी एल और बटे में कितना एक्स स्क्वायर, तो मिल जाएगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई आई डी एल और बटे में कितना एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इस धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ जिक्र करना पड़ेगा कि डी वी कॉस थीटा की दिशा विपरीत है जिसके कारण यह चुंबकीय घटक निरस्त हो जाता है और अंत में बचता क्या है डी वी साइन थीटा, यही ना बचता है। तो लिखेंगे यहाँ पर
कि dv cos थीटा चुंबकीय घटक दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाता है, दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर यह निरस्त हो जाता है तो बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा dv साइन थीटा, यही ना होगा। तो dv साइन थीटा पर इसका सारा का सारा गणना कर देंगे, लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र पहले लिखते हैं, बाद में गणना करेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा कितना, dv साइन थीटा, क्योंकि dv cos थीटा तो चुंबकीय घटक निरस्त हो चुका है ना, तो अब क्या बच जाएगा, dv साइन थीटा। क्लियर है, तो लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किस बिंदु पर, के कारण बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये आप मान देख रहे हो dv बराबर μ0/4π और उसके बाद है idl और बटे में x2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूरी हम पूरे परिपथ के कारण निकाल रहे हैं, पूरे परिपथ के कारण क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अल्पांश क्षेत्र निकालना होगा। अल्पांश क्षेत्र क्या है, dl, और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर दूरी क्या है, r, तो ये x के जगह पर क्या लिखा जाएगा, r लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर x ना होकर के क्या होगा, r का स्क्वायर। अब जब हम कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अब यहाँ पर तो हो गया अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है, तो अल्पांश है ना, तो dB के कारण जब हम निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, तो दूरी r है, तो हमने r ले लिया। अब यहाँ पर हम dB का मान रखेंगे कितना है, μ0 और बटे में कितना, 4π, और उसके बाद कितना है, idl और बटे में कितना, और इंटू कितना है, साइन थीटा। अगर चित्र से हम मान निकालें साइन थीटा का तो क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, तो लंब का काम क्या कर रहा है, r, और कर्ण का काम स्मॉल r कर रहा है जी। तो अगर ऐसी स्थिति में हम स्मॉल r का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम साइन थीटा बराबर लंब बटे में कितना होगा, कर्ण, तो लंब का काम कितना कर रहा है, r, और कर्ण का काम कितना कर रहा है, r। तो ऐसी स्थिति में हम अगर मान निकाले इस r का तो कितना होगा, r बराबर स्मॉल r और कितना है, साइन थीटा आएगा। अब इसका मान जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो मान है साइन थीटा का अगर रखेंगे तो आएगा कितना, साइन थीटा का मान रखेंगे तो r बटे में r आएगा, और यहाँ पर μ0/4π r² को क्या कर देंगे, बाहर, साइन थीटा को भी बाहर करेंगे। कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं तो अब ये कितना आ जाएगा, μ0 और बटे में 4π idl बटे में r² है, तो i बटे में कितना निकाल देंगे बाहर, r² को बाहर निकाल देंगे, और ये dl है और ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को भी बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ कितना कर देंगे dl, तो dl का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा परिधि ना मिलेगा, क्योंकि जो हम ले रहे हैं dl, वो dl क्या है, तो वो dl इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का अल्पांश भाग है, और इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का अल्पांश भाग का dl का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा ये परिधि ना मिल जाएगा, और जब परिधि मिलेगा तो परिधि का मान होता है 2π r। तो अब जो हम मान रखेंगे यहाँ पर dl का, वो परिधि रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा μ0 और बटे में कितना, 4π i बटे में कितना, r² और चूंकि समाकलन का पार्ट है तो समाकलन यहाँ लगा दिए हैं किसके साथ, dl के साथ। जैसे ही यह dl के साथ लगा तो अब हम dl के जगह पर कितना रखेंगे, 2π r, और sin थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, तो sin थीटा के जगह पर रखा जाएगा sin थीटा के जगह पर रखा जाएगा कितना, r बटे में r, तो हमने रख दिया r बटे में r। अब ये कितना है, dl है, तो dl का मान रखेंगे 2π r, तो ये हो गया 2π r।
अब अगर देखा जाए तो 2 पाई आर में त्रिज्या इसकी कितनी मानी गई थी, कैपिटल आर या स्मॉल आर? त्रिज्या इसकी मानी गई है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर मानी गई है तो यहाँ पर क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो कितना ले लेंगे, 2 पाई आर ले लेंगे, कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मान क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर अगर मान देखें तो म्यू जीरो बटे में 4 पाई आई, तो लिखेंगे म्यू जीरो बटे में कितना, 4 पाई आई, आर और आर का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आ बटे में कितना है आर स्क्वायर और आर है तो आर का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब अगर स्मॉल आर का मान देखा जाए तो स्मॉल आर का मान चित्र से हम क्या निकाल सकते हैं, देखा जाए तो चित्र यहीं पर है और इसका मान निकालते हैं। तो स्मॉल आर जो है वो किसका काम कर रहा है, कर्ण का, और कर्ण का काम अगर कर रहा है तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और जोड़ कितना, यानी आर स्क्वायर और प्लस, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ अब हम रखेंगे मान, तो ये 2 पाई आर ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ अब मान रखेंगे तो हमें मिलेगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 आई पाई, या दो दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो दो दूनी के 4 और उसके बाद हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 2 पाई आर यहाँ है ना, 2 पाई आर को तो लिख दिया गया है ना, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये आई हो गया और बटा में कितना हो गया आर का क्यूब। तो अब जो मान रखेंगे वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना आई, और इस आर का मान रखेंगे तो आर का मान होगा आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर और प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर, और पावर कितना है 3 है। क्लियर है? अब यदि अगर इस कुंडली में तार के फेरों की संख्या को भी अगर लिया जाए, तो तार के फेरों की संख्या को अगर लिया जाएगा तो n लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई के अब अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये आ गया कितना आर स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका पावर 1/2 है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो हो जाएगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई, और ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसके बाद इंटू आई है ना, तो आई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2। क्लियर है? अब यहाँ तक जब ये आया और मान लिया जाए कि हमें केंद्र पर जो है वो क्या निकालना है, अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अभी ये जो मान आप देख रहे हो ये एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अगर इसमें आप तार के फेरों की संख्या को लेते हो n, तो आपको यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा n का। अभी आपने केवल धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है, और अब आप यहाँ पर लिखिएगा कि यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी हो, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी हो, तो फेरों की संख्या कितनी हो n हो, स्मॉल n हो, तो अब dv बराबर है, तो dv बराबर कितना आ जाएगा, dv बराबर हो जाएगा म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई और 2 पाई n ना, 2 पाई n i और r स्क्वायर और बटे में हो जाएगा r स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो x का मान कितना हो जाएगा 0। अब आप खुद देखिए, अगर हमें इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो जैसे ही केंद्र पर पहुंचेंगे तो इस दूरी x का कोई महत्व रह जाएगा, दूरी x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अब x के जगह पर 0 रख देंगे जब केंद्र पर ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे कि यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे। यदि अभी ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। क्लियर है? B होगा, क्योंकि कुल चुंबकीय क्षेत्र है तो समाकलन कर देंगे तो B आएगा, क्योंकि dB का मान तो रख दिए हैं, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान जो मिला है
वो कितना मिल गया, तो x दूरी पर स्थित एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह x दूरी पर स्थित बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का यह मान है। B बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई और उसके बाद है 2 पाई एन आई इंटू आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। अब यहाँ पर ये जो मान आया हुआ है, अब यहाँ पर एक केस ये बनता है कि यदि मान लिया जाए कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब गणना तो इसी में होगा तो अब हो जाएगा b बराबर कितना, म्यू जीरो और बटे में 4 पाई और उसके बाद 2 पाई n i, तो 2 पाई n i और इंटू और बटे में है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r स्क्वायर और x के जगह पर और इसका क्या है पावर 3/2, तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो 0 ही ना आएगा। अब इसका गणना जो है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। अब b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई, 2 पाई n i है तो लिखेंगे 2 पाई n i और इंटू है कितना r स्क्वायर है, ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, r स्क्वायर में जोड़ेंगे तो r स्क्वायर होगा और ये 3/2 है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो अब b बराबर कितना आ गया, म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2 पाई n i और इंटू r स्क्वायर और बटे में कितना है? अब r स्क्वायर से ये कटेगा तो एक बार बचेगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई 2 पाई n i और बटे में कितना r। अब इसमें भी तो कट सकता है, नहीं कटेगा, पाई से पाई नहीं कट सकता है, कटेगा कि नहीं कटेगा, आप फिर 2 2 4 कटा सकते हैं या नहीं कटा सकते हैं, कटा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सूत्र का स्वरूप यही है ना, b बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2 पाई n i और बटे में r। तो ये जो आप व्यंजक देख रहे हैं ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कुल मान की गणना सटीक सटीक करता है जब चुंबकीय क्षेत्र उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर निकाला जाए। क्लियर है, जब केंद्र पर निकाला जाएगा तो दूरी x बराबर 0 ले लेंगे और जब x दूरी पर निकालना होगा तो इसका व्यंजक होगा कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2 पाई n i इंटू आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। अगर x दूरी पर निकालना है तब, और अगर केंद्र पर निकालना है तो सूत्र लगेगा म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2 पाई n i इंटू या 2 पाई n i बटे में कितना r, और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्लियर है, अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक कौन सा है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, कोई बता सकता है एम्पियर का परिपथीय नियम, बोलिए एम्पियर का परिपथीय नियम। बिल्कुल सही है, एम्पियर का परिपथीय नियम यह है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसने कहा था, एम्पियर महोदय ने कहा था, तो इसीलिए इस नियम का भी नाम जो है वह दे दिया गया एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि एक परिपथ के अंतर्गत एक क्लोज सर्किट की कल्पना की गई जो कि वृत्ताकार है, आप देख सकते हैं फिगर में, और ये जो है वो परिपथ है जिससे क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और कल्पना में यह मान लिया गया है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो एक वृत्ताकार कुंडली भी है, समझ में आ रहा है ना, यानी ये एक बंद क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में एम्पियर महोदय ने ये कहा था कि जब कभी भी अगर किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो बंद क्षेत्र से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
बंद पृष्ठ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाह के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, उस पृष्ठ से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना होगा? म्यू जीरो गुना होगा, अर्थात बी डी एल यानी धारा का रेखीय समाकलन, धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना है? म्यू जीरो गुना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें मिलता है समाकलन बी डी एल बराबर म्यू जीरो और इंटू आई। अब अगर इस नियम के प्रमाण की बात करें या फिर एम्पियर महोदय ने इस नियम को कैसे प्रमाणित कर दिया, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एक धारावाही कुंडली है या एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और आई एम्पियर की विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह डीबी होगा। क्योंकि ये एक अति लंबे धारावाही चालक तार के रूप में है, तो अति लंबे धारावाही चालक तार के रूप में है तो हम यहाँ पर बायो सावर्ट के अगर नियम से देखें तो अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो बायो सावर्ट के नियम से देखा जाए तो अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है डीबी बराबर म्यू जीरो बटे में कितना? 4 पाई, और 2i बटे में, 2i बटे में, तो r क्या है यहाँ पर? क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जैसे ही आप ये मान देख रहे हैं तो अब इस मान से आपको ये पता चल गया कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है कल्पना स्वरूप में, और इससे होकर के एक अति लंबा धारावाही चालक तार जा रहा है, और इस अति लंबे धारावाही चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कितना उत्पन्न होगा? तो पहले ही हम मान ज्ञात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी देख लीजिएगा है या पिछले क्लास में जो लिखवाए हैं कि डीबी बराबर आता है म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2i बटे में r। ये जो मान आप देख रहे हैं इसी मान से अब इसका गणना करेंगे। अब यहाँ पर अगर जो कल्पना में हमने वृत्ताकार एक माना हुआ है क्षेत्र बंद पृष्ठ, उसका अगर मान लिया जाए कि अल्पांश भाग dl है, तो अल्पांश का ये जो भाग है, इस अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो b इंटू dl होगा। अब यहाँ पर अगर अल्पांश भाग की कल्पना करें dl की, तो अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो लिखेंगे अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्पांश dl के कारण उत्पन्न अगर चुंबकीय क्षेत्र आप ज्ञात कीजिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको क्या मिलेगा? तो अब यहाँ पर मिलेगा, देखिएगा, अब अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dl है ना, तो b इंटू क्या हो जाएगा? dl। तो ये हो गया b और इंटू क्या हो जाएगा? dl। तो अब b इंटू dl का ये जो मान आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश है dl और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो db इंटू कितना होगा? dl होगा, तो b इंटू dl, b इंटू dl होगा, तो b इंटू dl होगा। तो अब इस धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र था उसका मान अब यहाँ पर हम रख देंगे, तो हमें यहाँ पर इसका मान कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम इसका मान रखेंगे तो हम क्या रख सकते हैं? बी का मान कितना रखेंगे? बी का मान रखेंगे म्यू जीरो और बटे में कितना? 4 पाई, और 2i बटे में कितना? 2i बटे में r, और dl है तो dl अल्पांश है ना, तो अब अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर निकाल रहे हैं तो इंटू कितना हो जाएगा? dl। और जब हम कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो समाकलन करना होगा ना, तो समाकलन करेंगे तो मान रखा जाएगा, समाकलन करेंगे तो मान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? तो dl का मान कितना रख देंगे? 2 पाई r। आज जब 2 पाई r रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और जितना मान आएगा वही एम्पियर के परिपथीय नियम के तुल्य होगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा b इंटू dl, यही ना होगा जी? तो b इंटू dl करेंगे तो b का तो मान है ही और dl का मान है ही, dl का मान क्या रखेंगे? 2 पाई r, और b का मान क्या है? म्यू जीरो बटा में 4 पाई 2i बटे में r। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, केवल आप dl का मान रखिए, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो b इंटू dl कीजिएगा तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो b dl क्या होगा? cos थीटा, क्योंकि अदिश गुणन है, और थीटा का मान कितना रखा जाएगा? 0 डिग्री,
तो यहाँ पर रखेंगे थीटा बराबर कितना, जीरो डिग्री। तो अब टोटल जो मान आएगा वो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा समाकलन बी इंटू डी एल है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो बी का मान कितना था, म्यू जीरो बटे में और टू आई बटे में, और उसके बाद क्या है, कॉस जीरो। तो हम रख देते हैं यहाँ पर कॉस जीरो और इसके बाद डी एल। अब ध्यान दीजिएगा, डी एल का अगर समाकलन करेंगे तो कितना मान आएगा, टू पाई आर, दूरी तो आरे ने लिया गया है। तो समाकलन बी इंटू डी एल का अगर हम मान निकाल रहे हैं तो म्यू जीरो बटे में कितना आ गया, फोर पाई, और इंटू कितना आ गया, तो इंटू आ गया टू आई और बटे में कितना आर, और कॉस जीरो का मान एक और डी एल का मान टू पाई आर। तो अब बताइए, अब बताइए यहाँ पर कि ये आर से आर कट जाएगा, और ये दो दूनी के चार से चार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो समाकलन बी इंटू डी एल बराबर कितना आया, म्यू जीरो इंटू आई। तो म्यू जीरो इंटू आई जैसे ही आया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, और डीएल भी क्या है, सदिश। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो नियम तो यहाँ पर लागू हो ही गया, नियम यहाँ पर प्रमाणित हो ही गया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के, यदि या किसी बंद पृष्ठ से होकर के जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ऐसी स्थिति में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। यही एम्पियर का क्या है, लिखेंगे यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। कोई दिक्कत, बोलिए, क्लियर है ना। तो इसमें हमने देखा एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और फिर हमने देखा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर के परिपथीय नियम के बाद एक और टॉपिक है, और वो टॉपिक है परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देख लिया जाए ना, हाँ। तो ये रहा परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका एक समान व्यास की एक खोखली जो है वह क्या होती है, एक खोखली बेलनाकार नर्म जो है वह क्या होती है, लोहे के क्रोड की एक नली होती है, और उस पर तार के अनगिनत फेरे जो है वो लपेटे गए होते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये व्यवस्था बनती है इसे ही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। एक समान व्यास की होगी, कहीं पर भी इसके व्यास में कोई गड़बड़ नहीं होगा, और नर्म लोहे के क्रोड पर जब तार के फेरों को लपेट दिया जाता है तो क्या बन जाती है, परिनालिका बन जाती है, लेकिन रहनी चाहिए बेलनाकार, क्लियर है। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जब परिनालिका में विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम निकालें तो हमें एक कल्पना करके पृष्ठ को मानना होगा जो कि ए बी सी डी है, जहाँ पर अगर हम देखें तो परिनालिका में ए और बी का पृष्ठ आता है, बी और सी बाहर है, बी और सी लंबवत है, ए और डी लंबवत है, लेकिन सी और डी जो पृष्ठ है वो क्या है, बाहर है। तो परिनालिका के संदर्भ में एक नियम यह भी है कि परिनालिका के बाहर जो बिंदु होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। तो परिनालिका के बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस परिनालिका के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस परिनालिका के कारण अभी जितना बताए हैं उतनी सारी बातें लिखनी भी है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम अब यहाँ पर सीमा का निर्धारण करेंगे, हालांकि अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम या एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से कुल चुंबकीय क्षेत्र, न जी कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम लेंगे समाकलन ए से बी, लेंगे ना, और फिर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल,
फिर लेंगे प्लस समाकलन बी से सी आप बी इंटू डी एल और सी से क्या लेंगे डी आप बी इंटू डी एल और डी से क्या लेंगे ए आप बी इंटू डी एल। अब ध्यान दीजिएगा, अब डॉट गुणन है तो डॉट गुणन का क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है ना। अब ए बी कॉस थीटा होता है तो टोटल मान यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, बी इंटू डी एल है तो होगा बी डी एल कितना कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखा जाए ये बी से कहाँ जाएगा सी, बी इंटू डी एल आ कितना कॉस थीटा, आप प्लस सी से कहाँ जाएगा डी, सी से डी आप बी इंटू डी एल कॉस थीटा और डी से कहाँ जाएगा ए और बी इंटू डी एल कॉस थीटा। लेकिन अलग अलग स्थितियों में थीटा का मान क्या है अलग अलग है, क्या है अलग अलग ध्यान दीजिएगा। अब ए से बी अगर देखा जाए आप बी डी एल कॉस थीटा है तो ये रहा बी डी एल और कॉस थीटा के जगह पर कितना जीरो डिग्री, क्योंकि ए से बी में देखा जाए तो कितना कोण बन रहा है जीरो डिग्री। अब अगर झुकाव है तो ऐसे है तो 90 डिग्री, हल्का सा झुका तो कुछ तो कोण बना है रख दिए, कौन सा कोण बन। तो यहाँ पर ये जो समतल पृष्ठ है इस समतल पृष्ठ ए बी पर कोई कोणे नहीं बनता है तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे, लेकिन बी से सी वाले में कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री, तो हम यहाँ बी से सी वाले में कितना ले लेंगे, तो ये हो गया बी से सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री। और देखिए सी से डी की अगर बात करें तो बी डी एल ऐसे ही है ना जी, आ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने देंगे, लेकिन बिंदु सी और बिंदु डी से बना जो पृष्ठ है वह परिनालिका के, तो परिनालिका के बाहर है तो कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, तो कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा तो अगले स्टेप में लिखेंगे। और डी से ए में देखा जाए तो ये रहा डी ये रहा ये कितना डिग्री, तो ये हो जाएगा बी डी एल और कितना डिग्री 90 डिग्री। अब कॉस 90 का मान कितना होता है बोलिए जीरो, और कॉस जीरो का मान, तो ए से बी और ये हो गया बी डी एल और कॉस जीरो डिग्री का मान आ गया एक, इसका मान देखा जाए तो कॉस 90 का मान जीरो ना, तब बी से सी आ बी डी एल आ कॉस 90 का मान, आ ये बाहर है बिंदु सी डी यानी पृष्ठ सी डी क्या है परिनालिका से बाहर है तो कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तो यहाँ टोटल क्या लिख देंगे जीरो। आ यहाँ कॉस 90 डिग्री का भी मान कितना होगा जीरो, तो ये रहा डी से ए और ये रहा बी डी एल आ कॉस 90 का मान। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ए से बी बी इंटू डी एल होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए से बी और उसके बाद आ गया बी इंटू डी एल। अब ये जो मान आया हुआ है यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि किसका किसका मान रखना है, तो बी का रखना है और डी एल का रखना है, तो बी का मान नहीं निकाले है ना, तो परिणालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें अगर हम मान निकालेंगे तो टोटल कितना मान आएगा, तो अब यहाँ पर b और इंटू डी एल है, तो b इंटू डी एल है तो डी एल का जब a से b तक समाकलन करेंगे तो क्या आएगा l ही ना आएगा। देखिए a से b तक ये रहा a और ये रहा b, तो a से b तक जब समाकलन करेंगे डी एल मतलब अल्पांश भाग, लंबाई l माना गया है ना, परिनालिका की लंबाई कितनी है l है, और जब अल्पांश लंबाई l का समाकलन करेंगे तो परिनालिका का कुल लंबाई निकलेगा, क्योंकि पूरा मान निकालने के लिए समाकलन और अल्पतम मान निकालने के लिए अवकलन, तो डी एल है तो अवकलन वाला पद है, और जब पूरा मान निकालना होगा तो क्या कर देंगे समाकलन, तो जब ए से बी तक लिमिट है और डी एल है यानी कि अल्पांश भाग लंबाई का है समाकलन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पूरा मान निकल जाएगा यानी पूरा एल निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे ध्यान देना, अब हम यहाँ पर डी एल के जगह पर कितना रख देंगे, तो डी एल के जगह पर बी ऐसे ही रहेगा और ए से बी लिमिट रहेगा और डी एल, तो इसका टोटल मान कितना हो गया बी इंटू एल। हम लेकर के क्या चले हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी बी इंटू कितना डी एल, कुल चुंबकीय क्षेत्र यही ना, तो बी इंटू एल आ गया आया ना। अब ये जो मान है इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, लेकिन एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि प्रवाहित होने वाली धारा का या प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रवाहित होने वाली धारा के कारण किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है
वह उस पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना? म्यू जीरो गुना होता है। अगर कोई बंद पृष्ठ है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसी बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना? म्यू जीरो गुना होता है। तो अब इसी नियम के अनुसार अगर हम आगे बढ़े और मान निकालें तो देखा जाए क्या आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के इस नियम से, परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि भैया आप जब क्या निकाल रहे हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो इसका मान होता है बी डी एल कितना? कॉस थीटा। अब जब बी डी एल कॉस थीटा अगर आप निकालिएगा तो बी डी एल कॉस थीटा से मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा? बी डी एल कॉस थीटा है एम्पियर के परिपथीय नियम से। अच्छा, एम्पियर का परिपथीय नियम अगर देखा जाए तो यहाँ पर अदिश गुणन नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर दिए हैं, अभी जो बताए हैं वही करेंगे, म्यू जीरो और इंटू आई, और ये हो गया समीकरण दो। तो समीकरण एक और दो से करेंगे तो क्या होगा? दोनों मान बराबर है, तो समीकरण एक और दो से अगर देखा जाए तो बी डी एल बराबर आ गया है बी एल, आई इधर क्या आ गया है? म्यू जीरो और इंटू आई है ना। हमें किसका मान चाहिए? हमें मान किसका चाहिए? बी का। तो बी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? बी का मान निकालेंगे तो अब यहाँ पर आएगा आई बटा में एल, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई बटे में एल, होगा ना? बोलिए नहीं रहे, आई बटे में कितना होगा? तो बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो और इंटू आई बटे में एल। यदि अब अगर देखा जाए कि परिनालिका में तार के फेरों की संख्या कुल जो है वो एन हो, कितनी हो? n, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर कुल तार के फेरों की संख्या n हो तो स्मॉल n, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम से म्यू जीरो और i है, तो i जो है वह कुल प्रवाहित होने वाली धारा है। फिगर थोड़ा ऊपर चल जाने की वजह से दिक्कत हो रहा है। i अगर परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा है तो n l i होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आई जहां पर लिख देंगे, जहां आई संपूर्ण परिनालिका से क्या है? तो प्रवाहित होने वाली धारा है। तो प्रवाहित होने वाली अगर धारा है तो क्या होगा? प्रवाहित होने वाली धारा है तो ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो। अब धारा और लंबाई और फेरों की संख्या, इन तीनों का गुणा होगा। क्यों? क्योंकि अब इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो संपूर्ण परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा का मान मिलेगा। n तार के फेरों की संख्या है परिनालिका पर, n लंबाई है और i विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हो जाएगा एन एल आई। तो आ गया बी डी एल बराबर म्यू जीरो एन एल आई। तो यही हम क्या मान लेंगे? समीकरण दो। और इसी का जो है वो हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। अब जब इसी का तुलना करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। बी का मान कितना आएगा? समीकरण एक और दो से अगर मान निकालेंगे तब बी एल बराबर कितना आ जाएगा? म्यू जीरो और इंटू एन एल आई आएगा ना। अब बताओ एल से एल कट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा? म्यू जीरो और इंटू आई, और एन है तो क्या हो जाएगा? एन गुणा में आएगा तो ये हो जाएगा एन आई। यदि परिनालिका में तार के फेरों की संख्या कुल कैपिटल एन हो, यदि परिनालिका में तार के फेरों की कुल संख्या कितनी हो? कैपिटल एन हो, तो कुल संख्या कैपिटल एन हो तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एन हो तो एन बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल एन बराबर हो जाएगा तो एन और इंटू एल हो जाएगा। तो स्मॉल एन का मान निकालेंगे तो स्मॉल एन का मान कितना हो जाएगा? स्मॉल एन का मान होगा एन आ बटा में एल स्मॉल एन। ठीक
ठीक है, तो अब स्मॉल एन के जगह पर रखा जा सकता है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखेंगे इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद क्या है, उपरोक्त पद में अगर देखा जाए तो बी ऐसे ही, म्यू जीरो ऐसे ही, एन के जगह पर स्मॉल एन के जगह पर अब रखेंगे एन बटा में, तो ये हो गया एन बटा में और इनटू कितना, ये जो आप मान देख रहे हैं यही किसी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अगर कोई भी परिनालिका है जिसमें तार के फेरों की संख्या कितनी है, कुल तार के फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो ऐसी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बी बराबर म्यू जीरो इंटू एन बटा में एल इंटू आई। क्लियर है। अब यहाँ पर एक केस ये बनता है कि यदि मान लिया जाए कि तार के फेरों की संख्या जो है वह एकांक है और परिपथ यानी परिनालिका जो है उसका भी लंबाई कितना है, एकांक है, तो एन और एल के जगह पर कितना रखेंगे, एक। यदि परिपथ में तार के फेरों की संख्या भी एक ही बार हो और तार की लंबाई भी एक ही मीटर हो तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में उस परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र n कितना होगा, तो n एक हो जाएगा और l कितना होगा, l एक हो जाएगा इंटू आई, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा, अर्थात कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान वैद्युत चुंबकशीलता और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होगा। इसी में एक दूसरा केस भी बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि यदि तार के फेरों की संख्या और उस परिनालिका की लंबाई और प्रवाहित होने वाली धारा तीनों ही एकांक हो तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि यदि n बराबर मान लीजिए कि एक है, l बराबर भी एक मीटर है और i जो है वह कितना है, एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस परिनालिका में, तब टोटल कितना जो है वह उस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब अगर मान रखेंगे तो b बराबर कितना है, म्यू जीरो, और उसके बाद क्या है, तो n बटा में l है, तो n के जगह पर एक, l के जगह पर एक और i के जगह पर एक रख देंगे, तो अब हमें मान क्या मिलेगा, अब हमें मान मिलेगा b बराबर कितना, b बराबर म्यू जीरो। तो इससे ये पता चलता है कि किसी परिनालिका में अगर प्रवाहित होने वाली धारा एक एम्पियर की हो, परिनालिका की लंबाई एक मीटर हो और उसमें जो तार के फेरों की संख्या है वह एक ही बार लपेटी गई हो, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबकशीलता के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि म्यू जीरो को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। और इस तरीके से हमने आज के इस क्लास में तीन टॉपिक को कवर किया है। पहला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है एम्पियर का परिपथीय नियम, और तीसरा है परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दो विशेष परिस्थितियों को हमने देखा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में।